पूरा पूरा गुजरात के गांव गांव के अंदर पूरा आपको देखने का मिलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी, हमारे गवर्नर श्री देवव्रत साहब, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है। से बताना चाहता हूँ कि धारा 370 जम्मू कश्मीर लद्दाख से हटने के बाद जो वहाँ से डेलीगेशन मिलने आ रहे हैं दिल्ली में, वो माननीय गृहमंत्री जी से मिल रहे हैं, वो माननीय जितेंद्र सिंह जी से मिल रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से मंत्री हैं, घाटी में जो ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो या तो नकवी साहब से मिल रहे हैं या फिर माइनॉरिटी कमीशन से मिल रहे हैं। एक तो इस बात को लेकर के वो खुश हैं कि जो धारा 370 होने के वजह से जो आयोग वहाँ काम नहीं कर सकता था, लागू नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जनसंख्या 125 करोड़ हो, जिसके अंदर हम विकास की राह की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर योजनाओं के माध्यम से जन जन को बेसिक फैसिलिटीज देने की बात की जा रही हो, की जन कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुँचे, जन जन तक उसका क्रियान्वयन हो, इसके लिए ये समूह बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है और आपने देखा कि इसका लाभ भी हुआ है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान, ये जो अभियान है इसको पिछले 9 महीनों में, आज से 9 महीने पहले मुझे इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, पिछले 9 महीनों में मैंने 29 राज्यों में अपनी टीम का गठन किया है। उस टीम का कार्य ये है कि अपने नीचे हर जिले तक 51 लोगों की टीम बनेगी। उन 51 लोगों की टीम के जरिए हम सूचना को नीचे तक पहुंचाएंगे। हमारे हर बूथ पे एक यूथ के मेन एजेंडा के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट बूथ के ऊपर एक यूथ ज़रूर हो, जिससे हम लोग हर एक ग्रामीण क्षेत्र तक कवर कर सकें। तो इसमें क्या पद रहेगा? देखिए, हर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष, उसकी 51 लोगों की कमेटी, हर जिले पे जिला अध्यक्ष, हर नगर पे नगर अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, पूरा नीचे तक का चेन चलेगा। देखिए, किसी को पद देने का हम लोग का कारण सिर्फ इतना है कि पद से मोटिवेशन मिलता है जी। उस मोटिवेशन से युवा कार्य करता है। युवा को और कुछ नहीं चाहिए, युवा को चाहिए सिर्फ प्रेम और थोड़ी सी इज्जत, वो देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों की पहचान के लिए इसका कोई कार्यालय भी आप लोगों ने हर जगह बनवाया? जी, हर प्रदेश में हमारा कार्यालय है, पर वो कार्यालय हम ही लोगों का निजी कार्यालय। साथी की जनता है वो भी जब ये देखेगी कि जो भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख है उसके लोगों का जिस तरह से विकास इस सरकार कर रही है या करने जा रही है या करेगी, उनके मन में भी ललायत हो गए, वो भी ये चाहेंगे कि हम भी भारत का अभिन्न हिस्सा बने, अभिन्न अंग बने।